हेलो। अरे शुक्ला, कैसा है? आनंद बोल रहा हूँ। अरे आनंद, तू कैसा है? अकेले कैसे मैनेज कर रहा है यार पूरा लॉकडाउन? इंटरनेट, किताबें और वही रफी साहब के गाने। बस हो गया मैनेज। अरे यार सॉरी। हाँ मतलब हमारे पड़ोस में ना कोरोना के केसेस हो गए थे, पर तेरी भाभी की असिस्टेंट से भी फुर्सत नहीं मिलती। तेरे कॉल्स देखे तो थे पर बात ढंग से नहीं हो पाई यार। कोई बात नहीं यार। नहीं यार, पर सल्यूट है तुझे। भाभी के जाने के बाद तूने जिस तरह से पूरे घर को संभाल लिया, इसीलिए इतने अच्छे से परवरिश की। आज वो अमेरिका में इतनी बढ़िया सी जॉब कर रहा है, और तू रिटायरमेंट में भी तुझे अकेले से मैनेज करता है, हम जैसों की भी हेल्प कर देता है, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता। बात तो बड़ी है यार। क्या शुक्ला, तू भी आज फॉर्म में है? वो सब छोड़, मैंने आज एक खास काम के लिए तुझे कॉल किया हुआ है। ऋषि आ रहा है आज। अरे और तू अब बता रहा है, करता है ना फिर कुछ धमाकेदार पार्टी? कितने दिनों के लिए आ रहा है? अब वो तो पता नहीं, पर ये संडे को रखते हैं सरप्राइज पार्टी उसके लिए, तो तू आ जा अपनी पूरी फैमिली को लेके। अच्छा ये संडे? अरे वाह बढ़िया। सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं, कोई आया हुआ है। अरे ऋषित। यस पापा। अरे ऋषि, तेरी फ्लाइट तो रात की थी ना? पापा सरप्राइज। क्या सरप्राइज? मुझे बताया होता तो मैं आता ना लेने के लिए। अभी तो नहीं बताया आपको। आपको बता देता तो आप लेने आ जाते, मेरी बात तो मानते हैं, पर आपसे खामा खा धक्का क्यों देगा? चल दादा दादी के आशीर्वाद ले लें फिर आके बैठ। अरे ऋषि, तेरी परसों फ्लाइट है सिंगापुर की? हाँ पापा, वो लास्ट मिनट में डिसाइड हुआ ना, तो आपको बताना भूल गया। मैं परसों जा रहा हूँ सिंगापुर। अरे शुक्ला सुन, हमें प्लान में कुछ चेंज करना पड़ेगा। हाँ मुझे वो इस संडे को ऋषि की कंपनी वालों से मिलना है। हाँ तो मैं आता हूँ ना मंडे ट्यूसडे मिलने। ठीक है जी। सॉरी पापा, वो सिंगापुर की फ्लाइट के बारे में आपको पहले बता देना। कोई बात नहीं ऋषि, तू जिस लेवल पे काम कर रहा है उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां चाहिए। यू कैरी ऑन। और एक और बात पापा, आप शुक्ला अंकल से मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं मिल पाए। क्यों? एक्चुअली वो सिंगापुर की जो फ्लाइट है उसकी मैंने 2 टिकट्स बुक कराए। आप भी मेरे साथ सिंगापुर आ रहे हैं, उसके बाद 1 मंथ का वर्ल्ड क्रूज टूर भी करना है। मैंने अपना बेस भी यहीं शिफ्ट किया, अब से मैं यहीं रहूँगा आपके पास।